विधि हमारा टॉपिक है क्या, एमिन बनाने की विधि। एमिन बनाने की विधि कि किस किस प्रकार से हम एमिन बना सकते हैं। सबसे पहला है एमाइड के अपचयन से। एमाइड के अपचयन से कॉपी पेन निकाल लो। एमाइड के अपचयन से, एमाइड के अपचयन से, एमाइड क्या होता है देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये जो है आपका ठीक है ना, सी ओ एन एच टू, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड, ठीक है ना। अम्ल एमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है, क्या है, अमोनिया व्युत्पन्न है। क्या है, अमोनिया व्युत्पन्न अम्ल एमाइड बोलते हैं जी इसको। क्या बोलते हैं, अम्ल एमाइड। देखो जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच होता है ना, तो इसमें मान लो मैं क्या जोड़ दिया, एन एच थ्री जोड़ा। क्या जोड़ा, एन एच थ्री। ध्यान से समझना ये आया कैसे है, दो मिनट समझ लेना। एन एच थ्री है तो एन एच थ्री कैसे टूटेगा, एन एच टू और इधर एच, तो ये एच और ये ओ एच, एच टू बनकर निकल गया और ये बन जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच क्या बन जाएगा, टू। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये ना कार्बोक्सिलिक अम्ल जो रहता है ना उसमें मान लो अमोनिया जोड़ता हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें क्या जोड़ा, अमोनिया जोड़ा, तो अमोनिया जोड़ूंगा ना तब जाकर के बनता है ये अम्ल एमाइड। क्या बनता है, अब ये जो अम्ल एमाइड है किसको समझ नहीं आया ये, ठीक है, ध्यान दो, आर सी डबल ओ एच होता है ना, आर सी डबल ओ एच को कैसे लिख सकता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो गया, आर सी ओ ओ एच, इसका अमोनिया के साथ जब क्रिया हुआ होगा, अमोनिया कैसे टूटता है, एन एच टू आर एच ऐसे, तो ये एच और ये ओ एच निकल गया एच टू ओ, ठीक है, और आर सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच टू। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, कैसा एमाइड है, अम्ल एमाइड है। क्या है, अम्ल एमाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, अपचयन करना है। क्या करना है, अपचयन। अब अपचयन करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, अपचायक चाहिए। क्या चाहिए, अब प्रबल अपचायक के रूप में हम लोग यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। या तो फिर ऐसा करोगे कि सोडियम को डालना है किसमें, अल्कोहल में, C2H5OH, ये दोनों का जो मिश्रण रहता है ये दोनों होते हैं प्रबल अपचायक। या तो इसको लो या तो इसको लो। समझ आ रहा है कि नहीं, अब ये क्या करेगा, चार हाइड्रोजन दान देगा। कितना हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन जोड़ोगे इसमें, कितना हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। अब चार हाइड्रोजन को कैसे कैसे तुमको डिवाइड करना है, ध्यान से समझना। दो हाइड्रोजन दोगे इसको, एच टू ओ बना करके निकाले, और बचा हुआ कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, उस दो हाइड्रोजन को दे दे रहे हैं इसको। समझ आ रहे हैं, नहीं किसको, ये इस कार्बन को। समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आर सी एच टू हो गया इस दो हाइड्रोजन को लेकर के, और एन एच टू, और ये अलग हो जाएगा क्या, एच टू ओ। क्या अलग हो गया, एच टू ओ। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ठीक है, आर की जगह मैं एच लिया, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ऐसा है, इसके साथ 4H जोड़ा, कितना H, 4H, तो यहाँ पास देखो 4H में से 2H तो यहाँ पास गया, और कितना H, 2H इसके पास आ गया, तो बना देगा क्या, CH3, दो और एक तीन, थ्री CH3NH2 बन गया, और क्या अलग हो गया, H2O। क्या अलग हो गया, H2O। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि एमाइड का जब हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, क्या करेंगे, तो जा करके हमको प्राप्त होता है क्या, प्राथमिक एमिन। क्या प्राप्त होता है, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना, देख लो भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और देखो, तो जैसे देखो CH3CONH2 है, R की जगह CH3 लिया हूँ, यहाँ पास R की जगह क्या लिया था, H, मान लो CH3 लिया, CH3CONH2, तो जो चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन में इनका दो हाइड्रोजन, तो यहाँ H2O निकल गया आएगा, और CH3CH2 ऐसा चलेगा, CH3CH2NH2 ऐसे बनेगा। CH3CH2 को क्या लिखते हो, C2H5NH2, C2H5NH2, इसको क्या बोलते हैं, एथेनामाइन। क्या बोलते हैं, एथेनामाइन। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पास देखो R की जगह H लिया हूँ, मान लो R की जगह मैं क्या लिख दिया, CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, और 4H जोड़ूंगा, कितना H, 4H, 4H जोड़ूंगा तो 2H ऊपर को दूंगा और 2H इसको दूंगा, तो CH3CH2 होगा और NH2, और ये तो निकल गया ना H2O बना करके। समझ आ रहा है कि नहीं, तो इसी क्या लिख सकता हूँ, C2H5NH2, ये भी क्या है, प्राथमिक एमिन है। समझ आया कि नहीं, तो इस प्रकार से एमाइड का हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एमिन। क्या प्राप्त होगा, अच्छा दूसरा जो मोस्ट एमपी विधि है, सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी विधि है हाफ मैन विधि। एक बार पढ़ा चुका हूँ इसको, हाफ मैन विधि। क्या होता है हाफ मैन विधि में, ठीक है, हाफ मैन विधि में क्या होता है, हम लोग ले लेते हैं कोई C2H5I जैसे ले लिया, और उसका अभिक्रिया करा रहा हूँ अमोनिया के साथ, किसके साथ,
अमोनिया के साथ। अमोनिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझो, HNH2 ऐसे करके ले लिया। कोई भी मैं एल्किल हैलाइड लूंगा, कोई भी एल्किल हैलाइड लूंगा और उसका अभिक्रिया कराऊंगा किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराऊंगा तो ध्यान देना, यहाँ पास का एक हाइड्रोजन और यहाँ पास का एक आयोडीन, माइनस एच आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एच आई। और यहाँ पास हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, चलो बताओ, C2H5NH2, जो कि एक क्या है, प्राथमिक एमिन है। क्या है? प्राथमिक एमिन। यहाँ तक समझ आया? अब ये जो बना हुआ उत्पाद है ना, C2H5NH2, फिर से ये जो जिसको इसको हम लोग अधिक मात्रा में लिए रहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया करेगा किसके साथ, C2H5I के साथ। फिर से इसके साथ अभिक्रिया किया, अब यहाँ पास क्या करेगा, यहाँ पास का I और यहाँ पास का फिर से एक H, क्या हो जाएगा, माइनस एच आई हो जाएगा। अब देखो C2H5 कितना ठोक हो गया, दो ठोक, C2H5, और ये NH हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल गया ना। तो यहाँ पास हमको क्या प्राप्त हो गया, द्वितीयक एमीन। क्या प्राप्त हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर इस द्वितीयक एमीन को लेना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, C2H5 दो ठोक है तो ट्वाइस NH, और अभिक्रिया फिर से इसके साथ C2H5I के साथ। जैसे ही अभिक्रिया होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, C2H5 कितना ठोक हो जाएगा, तीन, और ये नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। यहाँ पास से फिर क्या निकला, माइनस एच आई, ये आयोडीन और यहाँ पास का एक एच। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये जो बना हुआ है ना, ध्यान से समझना, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पास का कहानी है, C2H5 कितना ठोक, थ्री, और ये N। इसका अभिक्रिया फिर से करवा दूंगा मैं C2H5I के साथ। जैसे C2H5I के साथ अभिक्रिया होगा तो देखो ये चार ठोक हो जाएगा, C2H5 4, और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज और आयोडीन में माइनस चार्ज। याद आया, चतुष्क अमोनियम लवण, यानी कि इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन, C2H5 फिर C2H5 और ये C2H5। कोष्टक के बाहर में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और यहाँ आयोडीन माइनस। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या बन जाता है, चतुष्क अमोनियम लवण। अब इस विधि में क्या हो रहा है, तुमको डायरेक्ट कोई एक ठोक एमिन नहीं मिल रहा है, प्राथमिक मिल रहा है, द्वितीयक मिल रहा है, तृतीयक मिल रहा है, और चतुष्क अमोनियम लवण मिल रहा है। मतलब टोटल एमिन का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, ना कि कोई केवल कोई एक यौगिक प्राप्त होता है, ना कि केवल एक प्राथमिक एमिन प्राप्त होता है। अच्छा, एरिल हैलाइड की कम क्रियाशीलता के कारण एरोमेटिक एमिन में हम इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते। इस चीज को याद रखना कि केवल और केवल ये लागू होता है किसके लिए, एलिफेटिक के लिए। किसके लिए? एरोमेटिक के लिए ये विधि लागू होता नहीं है। हाफ मैन विधि क्लियर है? एक एल्किल हैलाइड लेना है, इस एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया किसके साथ होता है, अमोनिया के साथ। किसके साथ? HNH2 है, मतलब अमोनिया ही है ना, NH3 है। समझ आ रहा है? तो ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा विधि, हाफ मैन विधि। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण, चारों प्राप्त होता है, चारों का मिश्रण प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन करके उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? केवल और केवल एल्किल एमिन के लिए लागू होगा, एरिल एमिन के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सावत्य विधि। कौन सा विधि? सावत्य विधि में क्या होता है, एल्कोहल से एमिन का प्राप्ति करते हैं। किससे? एल्कोहल से। जैसे कि देखो आर ओ एच है, इसका अभिक्रिया करा दिए हम लोग अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। और किसके उपस्थिति में? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पास देखो H और यहाँ पास का OH, निकाल देगा क्या ROH, H2O निकाल देगा, क्या निकाल देगा, H2O, और बचेगा क्या RNH2। क्लियर है कि नहीं? क्या बन गया तुम्हारा, प्राथमिक एमिन बन गया। अब ये जो बना हुआ प्राथमिक एमिन है RNH2, इसका अभिक्रिया फिर से किसके साथ करवा दूँ, एल्कोहल के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं? एल्कोहल है ROH, अमोनिया के साथ क्रिया किया, RNH2 बना दिया। फिर ये जो बना हुआ उत्पाद है प्राथमिक एमिन है, इस बने हुए उत्पाद का फिर से एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराऊंगा, तो यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H, फिर से निकाल देगा माइनस H2O, तो यहाँ पास RRNH बन जाएगा। क्या है ये? द्वितीयक एमिन है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद इसको फिर लूँगा मैं RRNH को, फिर से अभिक्रिया कराऊंगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराऊँ, एल्कोहल के साथ। फिर क्या होगा, माइनस H2O, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का H, तो यहाँ R और ये क्या आ जाएगा, N, क्या आ जाएगा, N। देखो नाइट्रो एल्केन बना रहे हैं, RNO2 होता है, N डबल बॉन्ड O, और ये उपसहसंयोजी बंध द्वारा O।
ऐसा रहता है। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, अपचयन करना है। क्या करना है, अपचयन, अपचय करना है। तो अपचायक के रूप में रहता है टिन स्टेनस HCl की उपस्थिति में। ये कितना देगा, 6H देगा। कितना H, ठीक है, 6H देगा। अब ध्यान से देखना, 6 हाइड्रोजन का बंटवारा करना है। कितना, 6 हाइड्रोजन में क्या, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 4 हो गया, और 2 हाइड्रोजन दे दो इसको। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या निकल जाएगा, H2O -2H2O हो गया, और यहाँ पास बन गया RNH2। क्या बन गया, RNH2। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये होता है आपका नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा क्या प्राप्त करना, प्राथमिक एमीन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोस्ट टाइम पे है मेंडियस अपचयन। क्या है, मेंडियस अपचयन, ठीक है, लिखना है, लिखो। चलो मेंडियस अपचयन क्या है, देखो, जब हम लोग एल्किल साइनाइड लेंगे, RCN एल्किल साइनाइड लेंगे, और इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति, या तो फिर क्या लेना है बोला हूं मैं तुमको, सोडियम और किसका मिश्रण, C2H5OH का। ये क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल अपचायक। अब इसकी उपस्थिति में क्या होगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पास कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 4। 4 हाइड्रोजन जैसे ही जुड़ेगा तो ये चारों हाइड्रोजन कैसे होगा, देखो, 2 हाइड्रोजन इसके पास और 2 हाइड्रोजन इसके पास, ये बॉन्ड को तोड़ देगा ना, तो क्या बना देगा, RCH2NH2 क्या बना दिया, RCH2NH2। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मेंडियस अपचयन। क्या बोलते हैं, भूलना नहीं, पेपर में एक दो बार आ चुका है ना, ध्यान से समझना। जब एल्किल साइनाइड के साथ, कैसे लिखोगे, जब एल्किल साइनाइड का अपचयन, जब एल्किल साइनाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एल्कोहल की उपस्थिति में कराया जाता है, इसके फल स्वरूप हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्लियर है, फिर समीकरण को लिखना है। यहाँ तक क्लियर है, ये वाला रिएक्शन भूलना नहीं। क्या बोले हैं इसको, मेंडियस अपचयन, साइनाइड से बना रहे हैं भाई, किससे, साइनाइड से, ठीक है। जैसे कि RCN करके किए है ना, R के जगह जैसे लिख लो CH3, क्या लिख लिए, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा है। अब चयन कराओगे 4H, तो कैसे होगा, चलो बताओ, CH3, CH2, 2 हाइड्रोजन इसके पास, फिर NH2, इतने क्या बोलते हो, C2, देखो CH3 है ना, ये 3 और 2 5, ठीक है, और ये NH2, क्या बोलोगे, एथिलेमिन है ये, क्या है ये, एथिलेमिन। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो R की जगह बस मान रख कर देखना है भाई, ये हो गया आपका क्या, मेंडियस अपचयन। अच्छा, मेंडियस अपचयन के बाद, अच्छा एक और देख लो, मेंडियस अपचयन द्वारा देखो, ये आपका बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, बेंजीन में 4H, ठीक है, ऐसा इसका प्रवेश कराएंगे, और ये है यहाँ पास ना, साइनाइड है ना, लेकिन ये भी ऐसा है, ठीक है ना, साइनोबेंजीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइनोबेंजीन है हाइड्रोजन के साथ। तो ये फिर से वैसी बनेगा, ये हो जाएगा क्या, CH2NH2। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक प्रकार से क्या बन गया आपका, बेंजाइल एमिन। क्या बन गया, कल का याद है ना, बेंजाइल, बेंजाल, बेंजो, क्लियर है ना। तो ये बना है क्या, बेंजाइल एमिन। क्या बना है, बेंजाइल एमिन, क्लियर है ये, यहाँ तक समझ आया। ये है आपका कौन सा, मेंडियस अपचयन। क्या है, मेंडियस अपचयन, पेपर में आता है, नेम रिएक्शन में से, मोस्ट टाइम पे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिम के अपचयन से, या इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड या कीटो के अपचयन से। अब ऑक्सिम क्या होता है, ध्यान से समझना, ये भी IMP रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, समझते जाना। हम लोग क्या किए, ध्यान देना ना, कीटोन लिए, R, ये C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं क्या, कीटोन, और कीटोन का अपचयन करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्सी एमिन से। किससे, हाइड्रोक्सी एमिन, NH2 है, एमिन है, OH, हाइड्रोक्सी एमिन, क्या हो गया, हाइड्रोक्सी एमिन। अब इसको देखो, NH2 है, कैसे हो सकता है, NH2, अरे OH, ऐसा है, हाइड्रोक्सी एमिन है ये, ध्यान दो, ये है क्या, कीटोन, और इसका अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सी, ये OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, एमिन। इसके साथ जैसे ही रिएक्शन कराओगे, यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O, और यहाँ पास आपका जो एक कंपाउंड बनेगा, R, ये C, ठीक है ना, यहाँ पास डबल बॉन्ड करके N, ये N है, फिर ये क्या है, OH, क्या है, OH। तो देखो ये बन गया क्या, RRCNOH, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिम। क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सिम। यहाँ पास से H2O निकला है ना, जैसे ही H2O निकला तो RRCN और N के बाद ये देखो C है ना, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड N, अरे OH का OH, ऐसे लिखा मैं। अब ये जो ऑक्सिम है,
इस ऑक्सिम का हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन। देखो ये ऑक्सिम आर आर सी डबल बॉन्ड क्या है जी, एन सी डबल बॉन्ड क्या है, फिर क्या है ओ एच, इसका अपचयन करना है। क्या करना है? अपचयन। अपचयन फोर एच की उपस्थिति में क्या लोगे, अब चाक एल आई एल एच फोर, इसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब चाक लेना है, अब चाक जैसे ही लोगे, अब ध्यान से देखना यहाँ पास कैसे कैसे कहानी होगा, ध्यान देना जी। चार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ आया, दो हाइड्रोजन इसको जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पास से पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पास से आपका निकल जाएगा क्या, पानी निकल जाएगा। और यहाँ पास देखो आर सी एच, एक सी एच आ गया, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पास, ये एन एच टू हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर आर सी एच, ठीक है, ये एन एच टू ये बन गया। क्या है, द्वितीयक एमीन है ये, क्या है ये, द्वितीयक एमीन, ठीक है ना। अच्छा द्वितीयक एमीन नहीं बोलेंगे इसको जी, डायरेक्ट नाइट्रोजन से पहले तो एक कार्बन जुड़ा है ना ये, एक मिनट रुको, हाँ द्वितीयक एमीन है ये, क्या है, द्वितीयक एमीन है, क्लियर है। ये क्या है तुम्हारा, द्वितीयक एमीन, ये मिल गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो इसमें एक बार एग्जाम्पल फिट करके देखे क्या, देखो ट्राई करते हैं सही बनेगा कि गलत बनेगा। देखो यहाँ पास आर की जगह में एच रखा, फिर ये एच रखा, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी एच ओ, ठीक है, ऐसे करके भी कर सकते हो, या एच सी एच ओ ना लेकर के क्या लेना चाहिए, रुको, एक एच सी एच ओ करके ही लिया है कि कैसे किया है, ठीक है। चलो देखो एच सी एच ओ लिया है, ठीक है, अब इसका अभिक्रिया किसके साथ कराएगा, वो किसके साथ कराया, एन एच टू ओ एच, एन एच टू ओ एच इसके साथ अभिक्रिया कराया, यहाँ पास से निकल गया क्या, एच टू माइनस एच टू, जैसे हुआ कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड एन, फिर ये क्या है ओ एच, ऐसा है। फिर इसके पास कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पास चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसमें का एक हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन यहाँ पास और एक हाइड्रोजन यहाँ पास, तो ये सी एच थ्री हो जाएगा, फिर एन एच टू, सी एच थ्री एन एच टू बन गया। और ये क्या निकल गया, माइनस एच टू ओ, एच टू बाहर निकला है ना, ये देखा एच टू ओ, अरे बन गया सी एच थ्री एन एच टू मेथेनामाइन, क्या मिला, मेथेनामाइन, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है ऑक्सिम के अपचयन से क्या बनाना, आपका प्राथमिक एमीन बनाना, क्या बनाना है, प्राथमिक एमीन। किसी कोई दिक्कत, देख लो भाई सबसे पहले कीटोन लिए, ठीक है, एन एच टू ओ एच के साथ अभिक्रिया करें, यहाँ पास का एच टू और ये ओ, माइनस हो गया क्या आपका एच टू, फिर क्या बचा आर आर सी एन ओ एच, इसको पकड़े और इसका अपचयन करा दिए। अपचयन कराओगे तो दो एच बीच वाले को, एक एच इसको, एक एच इसको, तो ये देखो आर आर सी एच एन एच टू, अब वही किया, आर की जगह क्या ले दिया, एच ले दिया, ठीक है, फिर वही को प्रोसेस को पूरा एक बार दिखाया हूँ, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है, प्राथमिक एमीन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, प्राथमिक एमीन। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक समझ आया। अच्छा ये ध्यान से समझना, जब एल्किल साइनाइड का होता था ना योग, एल्किल साइनाइड का अपचयन, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मेंडियस अपचयन, क्या बोले थे। अब थोड़ा सा उल्टा कर देते, एल्किल आइसोसाइनाइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ध्यान देना आर एन, ध्यान देना आर एन डबल बॉन्ड, ये उल्टा है ना सी, ये देखो आर सी एन लेते थे तुम, ऐसा करते थे, क्लियर है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आर एन सी, यहाँ पास जो दो ठोक होता है ना, ये इसको दान दे देता है ऐसे करके, क्लियर है, तो ऐसे चलता है, तो इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं। इसका आप चयन कराऊंगा, फोर एच आएगा, किस हर्ट से आता है बताओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, प्रबल अपचायक होता है। अब ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, दो एच इसको, दो एच इसको, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, आर एन एच टू सी एच टू, क्लियर है ना, यानी कि ये आर है, ध्यान दो आर एन एच टू अरे सी एच टू, ऐसा करके रहता है, क्लियर है। तो ये है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड के अपचयन से क्या प्राप्त करना, फिर से एमीन प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना, एमीन प्राप्त करना। नेक्स्ट अभिक्रिया है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइम पे है, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, लिखो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, बनाना भी है साथ साथ, ध्यान से देखो कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले हम लोग को लेना है थैलेमाइड, क्या लेना है, थैलेमाइड। थैलेमाइड कैसे रहता है, ध्यान से समझो, ये ऐसा बेंजीन रिंग बनाना है तुमको, क्या बनाओगे पहले, बेंजीन रिंग, उसके बाद ये और ये,
दोनों स्थिति देखो, आर्थो स्थिति और मेटा स्थिति। कौन सी स्थिति? मेटा स्थिति, ऐसा। और ये एन एच, इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमाइट। क्या बोलते हैं? थैलेमाइट। अब ये जो थैलेमाइट है इसमें अभिक्रिया कराओगे किसका? के ओ एच का। किसका अभिक्रिया कराओगे? के ओ एच का। समझ आ रहा है कि नहीं? किसका अभिक्रिया कराओगे? के ओ एच का। जैसे ही के ओ एच को ऐड करोगे, ध्यान से समझो इधर, ये थैलेमाइट है सी ओ एन एच, इसको बोलते हैं थैलेमाइट। यहाँ पास से किसका योग करोगे? के ओ एच का। के ओ एच का ओ एच और इसका एच, माइनस एच टू ओ निकल गया। ये के है, यहाँ पास चला जाएगा। क्लियर है? तो ये ऐसे बन गया सी ओ सी ओ एन के। इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम है ना ये? पोटेशियम थैलामाइड। अब ये जो बना हुआ पोटेशियम थैलामाइड है, ये जो बना हुआ क्या है तुम्हारा? पोटेशियम थैलामाइड है। इसका अभिक्रिया एन के है ना, पोटेशियम थैलामाइड। इस पोटेशियम थैलामाइड का अभिक्रिया आर एक्स के साथ कराओगे, एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे इसके साथ अभिक्रिया कराओगे, यहाँ पास का के और यहाँ पास का एक्स, यहाँ पास का क्या बोला हूँ मैं? के। और यहाँ पास का क्या? एक्स। तो माइनस हो जाएगा के एक्स। और ये आर यहाँ पास जाकर जुड़ जाएगा, ये सी ओ सी ओ। और यहाँ पास एन आर एन आर। यहाँ तक समझ आया है कि नहीं? क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पास इसका अब करेंगे, जो बना हुआ कंपाउंड है ना अपना, क्या बना है ये कंपाउंड? देखो ये थैलेमाइट का स्ट्रक्चर बनाना, सी ओ सी ओ, ये एन और ये क्या है? आर। क्या है? एन और ये है आर। इसका जल अपघटन करोगे टू एच टू ओ। ठीक है, क्या डालोगे? टू एच टू ओ। जैसे टू एच टू ओ डालोगे, अब देखो टू एच टू है, देखो एक एच और ओ एच ऐसे टूटता है, एक एच टू ओ। दो ठोक है तो दो एच और दो ओ एच, दो ओ एच, दो ओ एच है तो एक ओ एच, इसको दो एक ओ एच, इसको दो। हाइड्रोजन कितना बचा है? दो। कितना बचा है? दो। ठीक है ना? तो इतना को दे दो दो एच। समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पास देखो कैसे हो जाएगा, सी ओ सी ओ है, दो एच दिया हूँ, ओ एच ओ एच हो गया। और यहाँ पास फिर एड क्या हो जाएगा? आर एन एच टू, आर एन एच टू। क्या मिल गया? प्राथमिक एमीन। क्या मिल गया? प्राथमिक एमीन। समझ आया कि नहीं पूरा अभिक्रिया? कोई दिक्कत है क्या? एक बार फिर से करें शुरू। चलो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, थैलेमाइट लेंगे, ऐसा रहता है ये देखो। ठीक है, सी ओ सी ओ, और ये क्या था? एन एच था। क्या था? एन एच था। अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? के ओ एच के साथ। तो यहाँ पास का ओ एच और यहाँ पास का एच, माइनस एच टू ओ। जैसे ही वो माइनस एच टू ओ हो जाएगा, यहाँ पास से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सी ओ, ये एन के, पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद ये जो पोटेशियम थैलामाइड है इसका अभिक्रिया किसके साथ हो जाएगा? आर एक्स। तो यहाँ पास का एक्स और यहाँ पास का के, माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा किस में कन्वर्ट? सी ओ, और ये एन आर, एन आर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो एन आर है, ध्यान समझना, अब ये जो एन आर है ना, यहाँ पास का क्या होगा? जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? जल अपघटन, टू एच टू ओ। टू एच टू ओ कैसे टूटेगा? टू एच प्लस और टू ओ एच माइनस, तो एक ओ एच इसको, एक ओ एच इसको, और टू एच इसको। समझ आया? तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ओ एच, ये हुआ प्लस क्या बन जाएगा? आर एन एच टू। मिल गया प्राथमिक एमीन। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। और ये है आपका प्राथमिक एमीन। अब इसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इतना लंबा चौड़ा है, याद करने के लिए ट्रिक चाहिए ना, भूले मत करके। ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं थैलेमाइड,
ये क्या है? पोटेशियम थैलेमाइड। फिर पोटेशियम थैलेमाइड में किसका अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का। जैसे एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया करोगे उसके बाद इसमें जल जोड़कर क्या करोगे? जल अपघटन। इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? थैलिक अम्ल और दूसरा प्राथमिक एमिन। ट्रिक क्या है देखो, ठीक है, पोथी पढ़ते हैं और माला जपते हैं, पोथी पढ़ते हैं और माला जपते हैं, लेकिन उल्टा बोल रहा हूँ, पोथी एहा जपथा, ऐसे करके ट्रिक है, पोथी एहा जपथा, एहरे ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। देखो पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड है, थैलामाइड, इसका अभिक्रिया कराओगे किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे ही अभिक्रिया करा डालोगे, जैसे ही इसका अभिक्रिया करा डालोगे, फिर क्या कराओगे? जल अपघटन। क्या कराओगे? जल अपघटन। जोड़ना सीख जाओगे ना, भूलना नहीं स्टेप, इस कारण याद करा। उसके फलस्वरूप आपको मिलेगा प्राथमिक एमिन, प्राथमिक एमिन, और दूसरा क्या मिलेगा? थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। हो गया यार, ट्रिक भी लिख ले रहा हूँ, समझ आया कि नहीं? तो ये होता है आपका गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। क्या है? गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। मैं डायरेक्ट पोटेशियम थैलामाइड से शुरू किया हूँ ना मैं, ठीक है ना, पोटेशियम थैलामाइड मतलब ये स्टेप डायरेक्ट, समझ रहे हो ना, ये तुम लोगों को डायरेक्ट करना है थैलामाइड के साथ, ये सब कहानी क्लियर, भूलना नहीं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या है? हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखो वो हाफ मैन विधि था ओनली, ठीक है ना, जिसमें तुम लोग अमोनिया का क्रिया कराते थे आरएक्स के साथ, किसके साथ? आरएक्स के साथ। अब उल्टा कहानी चल रहा है ना, ध्यान देना, यहाँ पास RCONH2 का अभिक्रिया कराना है। RCONH2 का अभिक्रिया किसके साथ? ब्रोमिन की उपस्थिति में 4KOH के साथ, किसके साथ? 4KOH। अब यहाँ पास देखो क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पास RNH2 पहले प्राथमिक एमीन बनाना है, बना लिया मैं, कार्बन CO है, क्या है? CO। यहाँ पास देखो 4K है और BR कितना है? 2। तुमको पता है KBR बनता है, क्या बनता है? KBR। BR कितना है? 2, तो 2KBR निकाल लिए। अभी कितना बचा है? अब K 2, कितना बचा है? 2। K2 लिख दिया, CO ऑक्सीजन टोटल कितना है? 4, 4 यहाँ पास और एक यहाँ पास, K2CO3 कर दिया, क्या बचा? कितना? 2, 2 ऑक्सीजन बचा है, हाइड्रोजन कितना बचा है? 2, कितना बचा है? 2, और यहाँ पास का 4, 4 2 6, 6 ना, चलो भाई 4 2 6 बचा है, तो देखो 3H2O ऐसा किया तो 3 दूनी 6 ना, ठीक है, 2H2O करते हैं, कितना करते हैं? 2H2O। अच्छा ये दोनों हाइड्रोजन तो निकल गए हैं ना, इधर का 4H है और ऑक्सीजन कितना बचा है? 2, हाँ यार 2H2O, क्या बनेगा? 2H2O। ध्यान दो, इधर देखो RCONH2 लिए Br2 और 4KOH की उपस्थिति में। अब यहाँ पर देखो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ब्रोमिन है, क्या उपस्थित है? ब्रोमिन, ऐसे करके याद रखोगे, Br2 4K है, 2KBr पहले बनेगा, K कितना बचा है अभी? 2, K2 लिखा, CO है, ऑक्सीजन कितना है? 4, 2 ऑक्सीजन और ले लिया, K2CO3, यहाँ पास का 2 ऑक्सीजन उठाया हूँ, 2 ऑक्सीजन बचा है अभी भी, 2 ऑक्सीजन बचा है, हाइड्रोजन कितना बचा है? 4, 2H2 हो गया और 2 ऑक्सीजन तो O, 2H2O, क्लियर है? तो ये है आपका कौन सा अभिक्रिया? हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, याद रखना है, लिख ले रहे हो, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी बहुत IMP है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया।
नेक्स्ट देखते हैं घृघ्नाड अभिकर्मक से, घृघ्नाड अभिकर्मक से लिखो चलो जल्दी। जल्दी करो, बनाने की विधि में रुक जाएंगे नहीं तो भौतिक गुण भी पढ़ना है ना। हो गया, नेक्स्ट देखो घृघ्नाड अभिकर्मक से कैसे बना सकते हो। देखो आर एम जी एक्स लेना है, आर एम जी एक्स ऐसे लेते हैं। अब एक्स की जगह क्या ले लिया मैं, सी एल ले लिया। क्या ले लिया, सी एल। और इसका अभिक्रिया करा रहा हूं मैं एन एच टू सी एल के साथ, एन एच टू सी एल क्लोरामीन, ठीक है ना, क्लोरामीन बोल देते हैं कई लोग, ठीक है। तो इसके साथ जैसे ही अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, देखो ये आर इसके साथ आ जाएगा आर एन एच टू, और एम जी जो है इस सी एल के साथ क्या बना लेगा, एम जी सी एल टू। क्या बना लेगा, एम जी सी एल टू। जैसे मैं ध्यान देना सी एस थ्री एम जी सी एल लिया, सी एस थ्री एम जी सी एल, और इसका अभिक्रिया करा रहा हूँ एन एच टू सी एल के साथ। जैसे ही अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या होगा, सी एच थ्री और ये एन एच टू, सी एस थ्री एन एच टू बनाएगा, और ये क्या बना लेगा, एम जी सी एल कितना है, दो एम जी सी एल टू। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है आपका एमिन निर्माण का विधि। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि एमिन के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है भाई।